हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहिनी। तो आप सभी को श्री राधे। तो अब मैं राधा रानी का आपको श्रृंगार बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने उनके श्रृंगार की थाल तैयार कर ली है, जिसमें मैंने उनके पोशाक क्या पहनाने वाली हूँ मैं, और उनकी ज्वेलरियाँ जो मैं क्या पहनाऊंगी, ये सारी चीज़ें, उनकी बाजे वगैरह सब चीज़ें रख ली हैं। और इसमें हो सकता है कुछ श्रृंगार मुझे एक्स्ट्रा भी लेना पड़े, या मुझे ऐसा लगे ये यूज़ का नहीं आ रहा तो अलग भी करना पड़े, तो वो तो श्रृंगार करते हुए वक्त पता चलेगा वो क्या पहनना चाह रही हैं। तो चलिए, मैं उनको ये पोशाक जो है, मैंने उनके लिए ये जो रेड कलर की है, तो मैं उनको धारण करा देती हूँ। सो गाइस, देखिए हमने इनको उनकी पोशाक धारण करा दी, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देखिए मेरी राधा रानी की ये हुई पोशाक, और इनका मैं लहंगा आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अम्ब्रेला कट पे है और बहुत ही सुंदर आ रहा है। ये इनका फाइनल पूरा लहंगा है, जैसा कि मैं रेड कलर का वेलवेट का पहनाना चाहती थी, उतना ही सुंदर लग रहा है इनके ऊपर। तो ये रहा इनका लहंगा। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी आपके साथ। तो ये देखिए, मैंने इनको पाजेब पहना दी है नीचे साइड, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम गुनगुन की आवाज़ है जो बहुत ही प्यारी है। देखिए, तो हमारी राधा रानी का ये इतना श्रृंगार हो चुका है। अब मैं आपके पास श्रृंगार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको ज्वेलरी पहनाऊंगी कि देखिए, तो मैं इनको सिर्फ एक ही नेकलेस पहना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हैवी लग रहा है। तो ये देखिए, ये इनका एक नेकलेस, मुझे हैवी लग रहा तो मुझे नहीं लगता दूसरा पहनाने की ज़रूरत है, तो मैं इसको एक ही पहनाऊंगी। ये देखिए डाउन हो रहा है। और मैं इनको इनका कमरबंद, मैंने इनको एक कमरबंद पहना दिया था जो पतला सा ही है, क्योंकि मुझे इनकी ये ओढ़नी को फिक्स करना था, इनके दुपट्टे को। ये इनका सेकंड कमरबंद है, तो मैं इसको पहनाऊंगी। देखिए इस तरह से पीछे से बस हल्का सा बांध लूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए, बहुत टाइट नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा मुझे झोल पे चाहिए ये, ताकि कमरबंद हल्का झोल पे हो, सामने से सीधा है। तो देखिए, इनका कमरबंद भी फिक्स हो गया है। अब मैं इनको इनकी बैंगल्स पहनाती हूँ। देखो, कलीरे वाले बैंगल्स हैं तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। मैं इनके दोनों हाथों में से पहना देती हूँ कलीरे वाले बैंगल्स, इनके बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनकी शेट के हैं ये थोड़े से, क्योंकि मैंने रेड कलर का इनका ड्रेस पहनाया है, तो रेड कलर पे, रेड और ग्रीन पे है समथिंग। वैसे भी रेड कलर के कपड़े पे रेड और ग्रीन ज्वेलरी बहुत ही प्यारी लगती है, जैसे कि मैंने अपनी राधा रानी के लिए बनवाया है। ये देखिए, इनकी बैंगल्स फिट हो गए। मैं इनको सामने साइड पे हल्का सा गैप सा दिख रहा था, मैं इनकी एक और बैंगल्स है, ये देखिए मैं इनको भी वैसे पहना दूंगी, तो बहुत ही सुंदर, थोड़ा सा हैवी लुक आ जाएगा हमारी राधा रानी के हाथों में। ये देखिए, उनकी ड्रेस जिस तरह हैवी है, तो उनके बैंगल्स भी हल्के से हैवी ही लगने चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से, ये देखिए सेकेंड बैंगल्स भी मैंने उनको पहना दी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कलीरे तो हल्के से दब रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने पर। ये देखिए, अब मैं इनको इनका ये छोटा सा बाजूबंद पहना दूंगी, इनकी दोनों बाजूबंद, इन पर हल्का सा मैंने ग्लू लगा लिया है, ये देखिए, ताकि ये हाथ पे स्लिप हो जाता है तो स्लिप ना हो, तो मैं इनको पहना देती हूँ ऐसे। ये देखिए, इसमें जो छोटी सी लटकन लगी हुई, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी यदि फिक्स नहीं हो रहा तो हल्का सा ग्लू लगा करके बाजूबंद को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए कि दूसरे हाथ में भी फिक्स हो गया इनका ये बाजूबंद। अब मैं इनको इनकी इयररिंग पहना दूँ, ये देखिए इनके छोटे से झुमकी टेप के इयररिंग है ये, तो मैं इनको ऐसे पहना दूंगी। इसमें भी हल्का सा ग्लू लगा हुआ है, ग्लू की हद से मैं इनको फिक्स कर रही हूँ इनके ईयर पे। देखिए, ये झुमकी शेप के इयररिंग मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए, तो दोनों सेट हो गए हैं, देखिए सेट हो गया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हल्की सी झुमकियाँ बड़ी हैं जो उनकी ज्वेलरी पे आकर सेट हो रही हैं, वो भी मैंने सेट कर ली है। ये देखिए, अब मैं इनकी हेयर बिग लगा देती हूँ इनको। तो इनकी हेयर बिग थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि मुझे इस पर हेयर स्टाइल वगैरह भी करनी है। ये देखिए, इनकी हैवी सी हेयर बिग बहुत ही सुंदर है, एकदम सिल्की सिल्की हेयर की है, जैसे हमारे कान्हा जी की कर्ल हेयर पे थी, इनकी थोड़ी सिल्की है। तो ये देखिए, मैं इनको ऐसे लगा दूँगी, ऐसे करके सेट कर दूँगी, जो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। फिर मैं इस पर हेयर स्टाइल करूँगी, तो पहले मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। सो गाइस, देखिए हमने इनकी हेयर बिग को शेड कर दिया। अब मैं इस पर हेयर स्टाइल करूँगी, मुझे भी कुछ डिसाइड नहीं है मैं कैसी हेयर स्टाइल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं आपको इनका पीछे से दिखा देती हूँ कि पीछे से इनका हेयर कैसा लग रहा है। मैं इनकी पीढ़ी को थोड़ा सा पीछे, तो बहुत ही सुंदर लगती है इनकी ये हेयर बिग। ये देखिए, इस तरह से हमारी राधा रानी के पूरे हेयर हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी है। अब मैं इस पर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे हेयर स्टाइल सुटेबल लगेगी मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल आगे का श्रृंगार।
तो गाइस देखिए हमने इनकी हेयर स्टाइल बना दी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पोनीटेल बना दी है। यहाँ पे जूड़ा ऑन किया, जूड़ा पिन ऐसे लगा दी है डेकोरेटिव में थोड़ी सी पैच के साथ है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये मेरी राधा रानी की लॉन्ग हेयर, मैं कुछ नहीं करूँगी, इतनी ज़्यादा हैवी चल रही है कि सामने यदि करेंगे छोटी बना करके तो बहुत हैवी आ रहा था, तो मैंने इसे ओपन ही रहने दिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए मैं इनका आगे का श्रृंगार करती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने इसको शेड कर दिया, मैंने पिन की हेल्प से, ये जो जूड़ा पिन होती है इसकी हेल्प से यहाँ पे शेड कर दिया। इनके जूड़े पे सेट है और मांगटी का भी सेट हो चुका है। अब मैं मांगटी पे थोड़ा हैवी करने के लिए ये देखिए ये लेयर है, इसको ऐसे इस बोले पे रख करके और ऐसे डबल लेयर का करूँगी। तो चलिए मैं इसको शेड कर देती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने इनकी मांग टीका को भी अच्छे सेट कर दिया, इनकी लेयर भी लगा दी साइड पे जो कि बहुत सुंदर लग रही है। मतलब हैवी श्रृंगार के साथ हैवी मांग टीका भी हो गया हमारी राधा रानी का। अब मैं इनकी नोज रिंग सेट करूँ, तो मैं भी इसी तरह डबल चैन से देखती हूँ। इनकी फेस पे भी डबल आती है तो ठीक है, नहीं जो सिंगल इसकी चैन को सिंगल करके मैं नोज रिंग सेट करूँगी इनकी। तो चलिए मैं इसको पहले सेट कर देती हूँ रिंग के साथ। तो गाइस देखिए मैंने डबल लेयर पे थोड़ी जो डबल चैन थी उस पर बहुत हैवी सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था छोटा सा फेस है उनका, मैंने बहुत सारा पहना दिया। तो मैंने सिर्फ सिंगल चैन करके उनकी ये नोज रिंग को भी सेट कर दिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और इनकी नोज पे एक स्टोन रख दिया ये देखिए, तो कि बहुत ही प्यारा ऐसा नोज रिंग का शेप लग रहा है। अब मैं इनको ये इनका बेला है ये देखिए, एक मिनट इस साइड से खोल रहा हूँ, ये देखिए इनका बेला है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बेला के फूल है। तो मैं इनको यहाँ पे ऐसे करके सेट करूँगी ऐसे जूड़े पे ही ये देखिए। तो चलिए मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने इनका बेला भी सेट कर दिया, और ये बेला आर्टिफिशियल है, यदि आपके पास मिल जाते हैं नेचुरल, मेरे यहाँ पे नहीं थे तो मैंने आर्टिफिशियल हाथ से ही मतलब ला करके और ये बनाए हुए बेला ताकि इनके हेयर पे मैं सेट कर सकूँ। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब आपको देख रहे हो कितना हैवी श्रृंगार हो रहा है। ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करें बट फिर भी वो हैवी हो रहा है। अब मैं इनकी ये ब्यूटीफुल चंद्रिका सेट करूँगी। देखिए सारी चीज़ें मेरे हाथों से बनाई हुई है, देखिए इनके कड़े ज्वेलरी सारी चीज़ें यही मैंने ला करके अपने हाथों से ही बनाई हुई है। तो चलिए मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने इनकी चंद्रिका भी शेड कर दी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इनका ओवरऑल मेकअप हो चुका है जो कि बहुत ही हैवी है, जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग हैवी है। अब मैं इनकी थोड़ी सी क्लिप लगा देती हूँ, तो क्लिप मैंने इसी से लगाना है ये देखिए, इस टाइप की कलरफुल है तो मैं इनकी क्लिप लगा देती हूँ इनके हेयर पर ये देखिए साइड साइड पर ये लगा दिए। इसी तरह मैं इस साइड भी लगा देती हूँ, इस साइड पे ऐसे करके मैं ये क्लिप लगा दूंगी जैसे उस साइड पे मैंने लगाया हुआ है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, दोनों साइड पे हमारी क्लिप लग चुकी है। अब मैं इनको रिंग नहीं पहनाई, तो इनको ये रिंग पहना देखिए, ये देखिए रेड कलर की मैचिंग होती है इनके हैंड पे, इनकी फिंगर पे ये मैं रिंग इनकी सेट कर देती हूँ। इसी तरह मैं उस हैंड पे भी इनकी रिंग सेट कर देती हूँ ये देखिए, तो इस साइड में मैं इनकी फिंगर रिंग पहना देती हूँ ये देखिए। अब मैं थोड़ी सी ये छोटी छोटी जो इनकी लास्ट वाली फिंगर है, छोटी वाली फिंगर, उस पर सिर्फ स्टोन की रख दे रही हूँ ये छोटी छोटी रिंग ये देखिए। अब मैं इनका इनको बिंदी लगा दे रही हूँ, तो मैं ये वाली लगा। सो गाइस देखिए मैं इनकी छोटी सी बिंदी है उनको सेट कर दे रही हूँ। गाइस डोंट माइंड बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा है क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है, हो गया घर पे चलता ही रहता है। तो देखिए लग चुकी है इनकी बिंदी भी, और मतलब मेकअप तो मुझे लग रहा है सब कुछ हो चुका है, बस इनके फ्लावर्स हैं तो मैं अभी तोड़ कर लाऊँगी तो फ्लावर्स उनको दे दूँगी। अभी इनका ये ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर है तो मैं इसको लगा देती हूँ, फिर इनकी ओढ़नी उड़ा दूँगी और इनका फाइनल श्रृंगार हो जाएगा कम्प्लीट। ये देखिए इनकी ये ओढ़नी है, इनको मैं पीछे से ऐसे अटैच कर दूँगी। ये देखिए इनका फाइनल श्रृंगार कम्प्लीट हो चुका है, और मुझे इनका पीला वगैरह सारी चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही है। सो गाइस देखिए मैं ओढ़नी सेट करने से पहले आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा देती हूँ। राधा रानी के हेयर और उन पर जो ये बेले का डेकोरेशन है बहुत ही सुंदर आया हुआ है ये देखिए, बहुत ही प्यारा। मुझे तो इनके हेयर बहुत सुंदर लग रहे हैं मतलब क्या बता दूँ। ये देखिए हमारी राधा रानी के पीछे हेयर का पूरा डेकोरेशन, ये उनके हैवी से हेयर हो गए, ये उनके जूड़े का डेकोरेशन हो गया जो मैंने पैच वगैरह लगाए थे, ये मैंने इसको डोरी से ही बांधा हुआ है जो मैंने बेला लिया हुआ था, और बाकी बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए। तो ऑल ओवर सेट हो चुका है मेरी माता रानी का, मेरी राधा रानी का ये देखिए। अब मैं इनको ये ओढ़नी जो है तो पीछे से उड़ा दूँगी, ऐसे करके अटैच कर दूँगी तो बहुत ही सुंदर आएगा। तो चलिए मैं इसको अटैच कर देती हूँ।
सो गाइस देखिए हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी है। मैंने इनकी ओढ़नी भी सेट कर दी और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप एक्स्ट्रा लगा दी। मुझे ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। आज राधा रानी का जो ये रूप है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग मैं जैसा उनको तैयार करना चाहती थी वो उससे कई गुना सुंदर तैयार हुई। मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। तो बस बोलते ना तब इन्हीं की मर्जी होती है कि हम इनको कैसा पहना है। तो आज ये ऐसा तैयार होना चाहती थी जन्माष्टमी में। तो इनका श्रृंगार हो चुका है कम्प्लीट। देखिए सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कम्प्लीट हो जाए। कुछ बोलते ना अधूरा भी रह जाएगा तो लास्ट लास्ट तक कंप्लीट हो ही जाएगा। तो फाइनल मैंने अपनी राधा रानी को तैयार कर दिया है। इनकी एक स्टोन मैंने चिन पे भी रख दी है जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। कान्हा जी को भी मैंने किया था, राधा जी को भी मैंने किया। इनका ये लुक मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फाइनली हमारी राधा रानी का जन्माष्टमी स्पेशल ये लुक, ये उनका पहला श्रृंगार मैंने अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट हुआ। मुझे आज राधा रानी बता नहीं सकती कितनी सुंदर लग रही है। नजर ना लगे मेरी राधा रानी को, बहुत ही सुंदर लग रही है। आई होप गाइस हमारी राधा रानी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर है। जन्माष्टमी स्पेशल हैवी तो बनता है थोड़ा सा। कान्हा जी तो हैवी होंगे तो राधा जी कैसे छूट जाए। तो उनका ये हैवी लुक तैयार है। आई होप हमारा ये राधा रानी का श्रृंगार आपको पसंद आया। यदि ये आपको श्रृंगार पसंद आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा आज हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले।